वेलकम टू मीनाराज किचन। आज मैं मिक्स दालें बना रही हूँ जो बहुत मज़ेदार बनती हैं। आइए शुरू करते हैं। 1 कप चना दाल, 1/2 कप मसूर दाल, 1/2 कप मूंग दाल, 1/2 कप माश दाल। ये मैंने चारों दालें 2 से 3 घंटे लिए 5 कप पानी में सोख कर दी थी। 3 स्लाइस टोमेटोस, 3/4 कप ऑयल, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 होल चॉप्ड गार्लिक, 2.5 इंच पीस जिंजर, 3 लेमन स्लाइस, 1 इंच पीस स्लाइस जिंजर, 1/2 ईच रेड एंड ग्रीन चिली स्लाइस्ड, 1/2 ईच रेड एंड ग्रीन चिली कट, 1/2 स्मॉल स्लाइस्ड अनियन। सबसे पहले प्रेशर कुकर में मैं दाल डाल रही हूँ। साथ ही मैंने थोड़ी सी जिंजर भी डाल दी है। मैं प्रेशर कुकर बंद कर रही हूँ। जब कुकर में प्रेशर बनना शुरू हो जाए तो 15 मिनट हम इसे हाई हीट पे उबालेंगे। अब 1 पॉट में हम मिश्रा मसाला बनाते हैं। ऑयल, गार्लिक थोड़ा सा फ्राई हो जाए, खुशबू आने लगे, हाई हीट पे रखें इसे। ज़ीरा, ब्लैक पेपर, हल्दी, रेड चिली पाउडर और टमाटर। अब हमने ये मसाला हाई हीट पे भूनना है। सॉल्ट, इसे अच्छी तरह हिला लें ताकि तमाम मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ लो हीट पे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। 15 मिनट के बाद अब हमारी दाल भी तैयार है। हमने प्रेशर कुकर खोल दिया है। ये देखिए दाल बहुत अच्छी गल चुकी है। 15 मिनट के बाद हम अपने मसाले तो चेक करते हैं। मैंने लिड उठा दी है और ये मसाला देखिए अच्छी प्यूरी तैयार हुई है। अब हम इसमें दाल मिक्स करते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाती है दाल। आप इसे यहाँ पे कुक करें 5 मिनट हाई हीट पे। अब मैं 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। आप दाल में गर्म पानी ऐड करें, ठंडा पानी ऐड नहीं करना चाहिए। जितनी आपने थिकनेस रखनी है उस हिसाब से आप पानी डाल दें, लेकिन इतनी क्वांटिटी में 1 कप बहुत है। आप गरम मसाला भी डाल दें, हरा धनिया। आप यहाँ पे कुक करें 5 से 7 मिनट लो हीट पे रख दें ताकि इस पे इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाए। ये अब मैं इसका तड़का तैयार कर रही हूँ। ये वैसे ऑप्शनल है, दाल यहाँ पे डन हो चुकी है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसके ऊपर ज़रा और ज़्यादा तड़का देसी घी का। तो आप भी डालना चाहें डाल दें। अनियन, जिंजर अच्छी तरह हाई हीट पे इसे थोड़ा सा मिक्स करें। स्लाइस में ग्रीन चिली और रेड चिली। दाल में ज़रा तेज़ मिर्चें अच्छी लगती हैं तो मैंने इसलिए 1-2 बार डाली हैं। ख़ास तौर से दावतों में ये दाल इस तड़के के साथ बहुत बेहतरीन लगती है। तो आप घर के लिए बनाएं तो आप तड़के की ज़रूरत नहीं है। 5-7 मिनट लेटर आप दाल तो देख सकते हैं कि दाल हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत जल्द बनने वाली दाल है। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है, ऊपर से मैंने तड़का भी डाल दिया है, इससे टेस्ट वैसे अच्छा हो जाता है। और थोड़ी सी मैं इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें डाल दें।
जो बहुत मज़ेदार लगती है, और ये आप दाल चावलों के साथ भी खा सकते हैं, चपाती, नान, बहुत मज़ेदार दाल है। आप प्लीज़ इसे खाएं और इंजॉय करें, और इसके बारे में मुझे लिखें, कमेंट्स भी दें, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।